हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है आप फॉर्मूला फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद उससे एक सॉल्व क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। लेट हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई बराबर सी, जो एक फंक्शन है इज ग्राफ ऑफ फंक्शन। देन फंक्शन को किस तरह से लिखा जा सकता है, वाई बराबर एफ एक्स की फॉर्म में। तो जो फंक्शन होगा बेसिकली एक्स एंड एफ एक्स का फंक्शन होगा, यानी एक्स का ही फंक्शन होगा पूरा। टू कैलकुलेट वाई डबल डैश। अब वाई डबल डैश कैलकुलेट है, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने सिंगल डेरिवेटिव यानी वाई डैश के लिए फॉर्मूला निकाला था। वाई डैश बराबर माइनस एफ वन डैश एक्स वाई अपॉन एफ टू डैश एक्स वाई, यानी जो फंक्शन था उसका एफ वन डैश फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और सेकेंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये हमने फॉर्मूला निकाला था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश का भी डेरिवेटिव, सॉरी वाई डैश का डेरिवेटिव निकालना है। तो वाई डैश का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने सपोज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फंक्शन वाई जो फंक्शन था, वाई बराबर क्या है एफ एक्स, यानी फंक्शन एफ वन डैश क्या फंक्शन हो गया एक्स एंड एफ एक्स का टोटली फंक्शन, यानी कि वो एक्स का ही फंक्शन है। तो इसको हम एक्स का फंक्शन मान सकते हैं, जी एक्स बराबर एफ वन डैश एक्स वाई। इसी तरह से एफ टू डैश एक्स वाई को हमने एच एक्स मान लिया। ये हो गया हमारे पास। अब जब फ्रेंड हमारे पास ये हो चुका है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से अगर देखें तो वाई डैश जो है ये वाई फंक्शन एक्स का था, तो और वाई डैश भी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। इसका हम सिंपली डेरिवेटिव कर सकते हैं यू बाई बी रूल से। यू बाई बी रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ बराबर यू बाई बी, जहाँ पे यू और बी दोनों हमारे पास एक्स के फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ डैश जो निकालते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो निकालते हैं, वो निकालते हैं हम यू का डेरिवेटिव वी को छोड़ते हैं माइनस वी का डेरिवेटिव यू को छोड़ते हैं अपॉन वी का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस फंक्शन का वाई डैश का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया। तो हमने क्या किया, पहले जी का डेरिवेटिव यानी जी डैश एक्स, और माइनस का साइन तो यहाँ पे है ही, ये माइनस का साइन नीचे ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, तो माइनस का साइन हमने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पे एच एक्स को सिंपली पुट कर दिया, माइनस जी एक्स को छोड़ा और एच डैश एक्स अपॉन जो नीचे था उसका स्क्वायर, तो एच एक्स का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास चूँकि जी एक्स बराबर क्या था, जी एक्स बराबर हमारे पास था एफ वन डैश एक्स वाई, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि जी डैश एक्स चाहिए हमारे पास, एच डैश एक्स भी चाहिए। ये हमारे पास था जी एक्स बराबर एफ वन डैश एक्स वाई। तो चेन रूल से जी डैश का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से चेन रूल क्या होता है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल एफ वन डैश अपॉन डेल एक्स, जो कि हमारे पास एफ वन वन डैश, यानी कि ये हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास, उसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स, जो कि ये फर्स्ट वेरिएबल है इसका, तो इसका ये हमारे पास वन आ गया। उसके बाद प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल वाई करेंगे तो ये हो गया एफ वन डबल एफ वन टू, यानी एक्स और वाई डबल डेरिवेटिव एक्स वाई, और फिर इसका जो सेकंड वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो डी वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से एच एक्स के लिए निकाला, तो एच डैश एक्स बराबर आ जाएगा एफ टू वन डबल डैश एक्स वाई प्लस एफ टू टू डबल डैश एक्स वाई वाई डबल डैश। ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। अब यहाँ से अगर हम देखें तो y डबल डैश में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की हमने, तो g डैश x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, f1 डबल डैश प्लस f1 टू डबल डैश y डैश, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने। और यहाँ पे क्या है एच एक्स क्या है हमारे पास, एच एक्स था f2 डैश, तो ये f2 डैश आ गया माइनस, और ये माइनस का साइन, तो जो माइनस का साइन यहाँ पे था वो तो बाहर है ही अभी तक, ये रहा हमारे पास। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, तो जी एक्स बराबर क्या था एफ वन डैश, जी एक्स बराबर क्या था ये रहा एफ वन डैश, और ये हमारे पास
एच डैश एक्स की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से एच डैश एक्स की वैल्यू, तो ये हमने वैल्यू पुट की और साथ में ही एच एक्स का स्क्वायर, एच एक्स बराबर क्या था एफ टू डैश का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एफ टू डैश का स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो पहले हमने वाई डैश की वैल्यू पुट की, वाई डैश की वैल्यू यहाँ से, वाई डैश की वैल्यू क्या रख सकते हैं एफ वन डैश अपॉन एफ टू डैश, तो यहाँ से हमने वाई इसकी वैल्यू पुट की, तो एफ वन डैश और एफ टू डैश, क्योंकि और माइनस का साइन भी है यहाँ पे, तो ये टर्म हमारे पास माइनस हो जाएगी और पूरे जो ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस ऑलरेडी चल ही रहा है। ये हो गया हमारे पास माइनस, इस माइनस में और यहाँ पे हमने कोई कुछ वैल्यू कुछ नहीं किया, सिंपली इसकी वैल्यू पुट की है, हर जगह इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब जब ये टर्म आ चुकी है तो इसको हमने और सॉल्व किया, यानी एफ टू डैश को एलसीएम में ले लिया, तो एफ टू डैश को एलसीएम में लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास एफ वन वन डबल डैश एफ टू डैश एफ टू डैश, यानी इसका एफ टू डैश का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और एफ वन डैश का एलसीएम भी ले लिया, तो ये टर्म हमारे पास जब सॉल्व किया हमने तो सॉल्व करने के बाद पूरी टर्म ये आ जाएगी हमारे पास। ये टर्म आने के बाद फिर से हमने इस टर्म को और इस टर्म को देखे, तो इसमें एफ वन टू एफ टू वन और ये हमारे पास सेम होते हैं, तो यहाँ पे एफ वन टू को एफ टू वन को एफ वन टू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा टर्म, तो ये ऐड हो गया, तो हमारे पास ये माइनस टू एफ वन टू एफ वन डैश एफ टू डैश प्लस ये टर्म हमारे पास सेम है और ये सेम है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी वाई डबल डैश का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये वाई डबल डैश का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास फाइंड वाई डबल डैश, अगर हमारे पास एक्स वाई बराबर फाइव दिया हुआ हो तो यहाँ से अगर हम देखें सॉल्व करें तो एफ एक्स वाई देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स डॉट वाई। अब हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ वन डैश, तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ, बेसिकली क्या है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हमने, तो ये वाई आ जाएगा, इसका हमने विद रेस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स आ जाएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव यानी इसका एफ डबल एफ वन वन का फिर से डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो वाई कॉन्स्टेंट रहेगा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने एफ टू टू निकाला तो इसका हमें वाई किस रेस्पेक्ट में करना है, ये जीरो हो जाएगा। और इसको देखें तो एफ वन टू यानी इसका अगर इसका हम विद रेस्पेक्ट टू वाई करें तो विद रेस्पेक्ट टू वाई इसका वन आएगा, ये वन, और एफ टू वन बराबर एफ वन टू होता है, तो हमने एफ वन टू निकाल लिया तो एफ टू वन भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये वन आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो क्योंकि एफ वन वन की वैल्यू जीरो है एफ टू टू की वैल्यू जीरो है, तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस ये टू ये रहा हमारे पास, एफ वन टू की वैल्यू क्या आई थी वन, तो इंटू वन वाई, एफ वन डैश की वैल्यू क्या आई थी एफ वन डैश की वैल्यू वाई, तो यहाँ वाई, और एफ टू डैश की वैल्यू क्या आई थी एक्स, ये अपॉन एफ टू डैश का क्यूब, एफ टू डैश क्या था एफ टू डैश एक्स, तो एक्स का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व किया हमारे पास इस माइनस की वजह से, ये माइनस और ये हमारे पास आ गया टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारे पास का डेरिवेटिव आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए सॉल्व समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियोज में भी कुछ इसी के और वीडियोज बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।